बाहया लिख दिया बा सफा लिख दिया, बाहया लिख दिया बा सफा लिख दिया, बाहया लिख दिया बा सफा लिख दिया। मैंने फौरन मदर, मैंने फौरन मदर बासरा लिख दिया, मैंने फौरन बासरा लिख दिया, बाहया लिख दिया बासफा लिख। जो वाइस मैनेजर हैं अब्दुल्ला साहब, मौलाना अब्दुल्ला साहब, उनका हुक्म था कि मदरसे के हवाले से एक आध शेर लिख लीजिएगा। चूंकि मैं बहुत बाइल में नहीं हूं, जो भी टूटा फूटा मैंने कोशिश की आपके अदालत में पेश करता हूं बतौर खास समाज करें। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि मैं पढ़कर हट जाऊंगा, माइक सही नहीं होगा, मतलब पेश खिदमत है समाज करें। कि बाहया लिख दिया बा सफा लिख दिया, बाहया लिख दिया बा सफा लिख दिया, बाहया लिख दिया बा सफा लिख दिया। मैंने फौरन मदर, मैंने फौरन मदर बासरा लिख दिया, मैंने फौरन मदर बासरा लिख दिया, बाहया लिख दिया बासफा लिख दिया। और दोस्तों एक शेर कॉलेज के मैनेजर और वाइस मैनेजर दोनों लोगों के हवाले पेश करता हूँ बतौर खास समाज करें। कि मैंने फौरन मदर बासरा लिख दिया, और मैंने अब्दुल्ला सादिक को सदनाज से, मैंने अब्दुल्ला सादिक को सदनाज से, मैंने अब्दुल्ला सादिक को सदनाज थे। हिकमोइल हिकमतो इल्म का, हिकमतो इल्म का मैं कदा लिख दिया, बाहया लिख दिया बासफा लिख दिया। मैंने फौरन मदर बासरा लिख दिया। और दोस्तों हमारा आज का मुआशरा चूँकि यूँ हो चुका है कि हम इंतजार करते हैं कि हमारा बच्चा दसवीं पास करें और हम पासपोर्ट बनवा के उसको फौरन बाहर के लिए रवाना कर दें। लेकिन हमारा जो मिजाज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाल थोड़ा तलख है लेकिन सच है। मैं एक मतला एक शेर पेश करता हूँ आपकी जहन समातों के हवाले करता हूँ, अगर शेर सच्चा लगे तो तालियों की गड़गड़ाहट में मेरे शेर की तायद कीजिएगा। पेश करता हूँ बतौर खास समात करें। गुजरिए जब कभी खिदमत, गुजरिए जब कभी खिदमत के नाजुक मराहिल से निकल पाए न कोई बदुआ, माँ बाप के दिल से निकल पाए न कोई बदुआ, माँ बाप के दिल से। और तरक्की चाहते हो तो पढ़ाओ अपने बच्चों को, तरक्की चाहते हो तो पढ़ाओ अपने बच्चों को, पढ़ा ले खा गरीब अच्छा, पढ़ा ले खा गरीब अच्छा, है दौलतमंद जाहिल से पढ़ा ले खा गरीब अच्छा, है दौलतमंद जाहिल से। और सामने उलमाए कराम बैठे हुए हैं। दोस्तों मैं बताऊं, मैं खुद बहुत थका हुआ हूं, अभी रात प्रोग्राम से मैं लौट के आया हूं, बहुत ज़्यादा तमहीद नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ दो शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूं। चूंकि ये बच्चों का प्रोग्राम है मैं बहुत ज़्यादा देर आपके बीच हायल नहीं हो सकता। एक मतलब एक शेर पेश करता हूँ मौलाना आपके हवाले से बतौर खास समात करें। कि जज्बात में आकर ए लोगों को
कुदरत से लड़ाई मत करना, कुदरत से लड़ाई मत करना, जज्बात में आ कर ए लोगों, कुदरत से लड़ाई मत करना, कुदरत से लड़ाई मत करना, जज्बात में आ कर ए लोगों, जज्बात में आकर ए लोगों, कुदरत से लड़ाई मत करना, कुदरत से लड़ाई मत करना, ये हाफिज़े कुरआन, हाफिज़े कुरआन, अरे रब के वली है, इनकी बुराई मत करना, इनकी बुराई मत करना, ये हाफिज़े कुरआन, अरे रब के वली है, इनकी बुराई मत करना, इनकी बुराई मत करना। दोस्तों जिस शेर को पढ़ने के लिए मैंने मतले का सहारा लिया वो आखिरी शेर पेश करता हूँ, समाप्त करें। ये हाफिज़े कुरआन रब के वली हैं, इनकी बुराई मत करना, इनकी बुराई मत करना, और तुम शौक से सारे फन सीखो, बस इतनी गुजारिश है तुमसे, इतनी गुजारिश है तुमसे, तुम शौक से सारे फन सीखो, तुम शौक से सारे फन सीखो, बस इतनी गुजारिश है तुमसे, इतनी गुजारिश है तुमसे, जिससे इस्लाम पे आ जाए, तुम ऐसी पढ़ाई मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया।